दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम अपने आप को मोटिवेट करना कितना जरूरी है। जब भी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, फिजिकली तैयारी कर रहे होते हैं, तो अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि यार वो सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं क्या तैयारी करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपको मोटिवेट करके रखना अपने आपको कि नहीं, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएंगी। इस तरह से आपको मोटिवेशन करना जरूरी होता है। और मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आपको करनी चाहिए। खासकर जैसे कि भाई आप उसको अगर पोस्ट के बारे में अच्छे से जाने कि इस पोस्ट के अंदर में है क्या जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो वो एक चीज़ आपको मोटिवेट करती है। तो अपन वैसे हमेशा करते क्या है कि जो भी YouTube हो गया, इंटरनेट हो गया, जितने भी अपने सोशल नेटवर्क है उस पर जाके सर्च करते हैं, देखते हैं कि ये जो मैं पोस्ट की तैयारी कर रहा हूँ उसमें क्या क्या है और मेरे को आगे जाके जब मैं पोस्ट जब ज्वाइन करूँगा तो मेरी जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या रहेगी। तो अब जो भी अपना सोशल नेटवर्क का प्लेटफॉर्म है उस पर जाके चेक करते हैं, लेकिन नॉर्मली अपने को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने अपने CISR की जर्नी के द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना ही उचित समझा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। हाँ, अगर कोई पॉइंट फिर भी दोस्तों मिस हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए, दिल खोल के कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना तैयारी करते समय कि आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो आपको अपनी तैयारी किसी और को दिखाने के लिए नहीं करनी है, अपनी तैयारी आप अपने आप को दिखाने के लिए करो, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करो। हर दिन अपने आप से पूछो कि आज आपने क्या किया, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है उसके लिए अपने आप को तैयारी तैयार करने के लिए आपने क्या किया। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने अंदर इतना इम्प्रूवमेंट कर लोगे कि वो जॉब या जो भी ड्रीम जॉब है आप उसको हासिल आसानी से कर लोगे। हेलो फ्रेंड्स, चैनल पर फिर से स्वागत है, दिस इज ओम प्रकाश डुकिया। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास वाली घंटी को दबा दें, मतलब कि बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलेंगे SSC CPO और CGL एग्जाम पर देखने के लिए। और फाइनली अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना तो बनता है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं जर्नी डे से। बहुत मेहनत और इंतजार के बाद वह दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था। मन में अलग ही जोश लेकर मैं पहुंच गया निशा हैदराबाद। गेट पर पहुंचते ही मानो कि रोंगटे खड़े से हो गए हों, ऐसा लग रहा था कि मेरा सपना साकार हो गया है। गेट पर आपको जॉइनिंग लेटर दिखाना पड़ता है, वैसे मैं एक दिन पहले ही पहुंच गया था। निशा के एंट्री पर इंक्वायरी करके मैं वापस सिकंदराबाद लौट गया। वहीं रात पर मैंने होटल में स्टे किया। मेरे काफ़ी बैचमेट्स वगैरह भी थे जो मेरे को होटल में मिल गए थे, तो हम लोगों ने लेट नाइट तक गप्पे मारे। ट्रेनिंग में क्या क्या होगा यही सब सोच के नींद नहीं आ रही थी, दिमाग में बार बार वही सब चीज़ें चल रही थी और बार बार मम्मी पापा का चेहरा भी आ रहा था जो कि ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने ही हों। एक्साइटमेंट और खुशी में रात कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। मॉर्निंग में मैं और मेरे कुछ बैचमेट्स पहुँच गए निशा गेट पर। अपना जॉइनिंग लेटर जो भी एडमिट कार्ड रहता है हम लोगों ने दिखाया और अंदर एंट्री कर गए। अंदर एंट्री करते ही दोस्तों मतलब एक नज़ारा देखने लायक था, मन एकदम खुश हो गया। सब कुछ साफ़ सुथरा, डिसिप्लिन और एकदम शांत वातावरण था। जाते ही हम सबको सबसे पहले लाइन में बिठा दिया गया, कुछ फॉर्म्स भरवाए गए जिसमें कि अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह रहती हैं वो भरवाते हैं। मेरी तो जो नज़र है वो आसपास के ग्राउंड से हटी नहीं रही थी। ग्राउंड्स इतने अच्छे लग रहे थे देखने में और बहुत ही वहाँ का जो वातावरण था बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दोस्तों उसके बाद में हम लोग को प्लाटून्स के अंदर में डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग प्लाटून्स बना दिए गए। प्लाटून्स बनाते समय वो लोग क्या कर रहे थे कि डिफरेंट हाइट के लड़के लड़कियां अलग अलग प्लाटून में रैंडमली कैसे भी डाल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्लाटून रहेगा आपका उसमें हर हाइट के लड़के रहेंगे और लड़कियां रहेंगी। और दोस्तों उसके बाद में चेस्ट नंबर भी बांट दिए गए और हर प्लाटून के अंदर में नॉर्मली 30-70 कैंडिडेट्स हो सकते हैं और डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, उसके हिसाब से प्लाटून की संख्या भी बढ़ सकती है। ट्रेनीज जो भी रहते हैं प्लाटून में, एक दो जो प्लाटून कमांडर उसमें से एक को प्लाटून कमांडर बना दिया जाता है। सभी ट्रेनीज को चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं और चेस्ट नंबर वाइज ही रूम अलॉट किए जाते हैं। हमारे बैच में एक रूम में दो ट्रेनीज एक साथ रहते थे, बट नेक्स्ट बैच आने के बाद एक ही रूम में तीन जने शेयर करते थे, क्योंकि ज़्यादा लोग बढ़ गए थे तो उस हिसाब से भी शेयरिंग में जो पहले कैंडिडेट दो ही थे बाद में हम लोग को तीन कर दिया गया। बॉयज़ एंड गर्ल्स के हॉस्टल अलग अलग होते थे एज यूजल, बट ट्रेनिंग सबकी एक जैसी होती है। ट्रेनिंग में कुछ ऐसा नहीं होता है कि गर्ल्स के लिए है बॉयज़ के लिए, सबकी एक जैसी ट्रेनिंग रहती है। फर्स्ट टू वीक्स या आप ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वीक है वो फेमिलाइजेशन होता है, उसमें आपको सब कुछ बताया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ का है, क्या क्या ट्रेनिंग करवाई जाएंगी, पूरे जो भी कैंपस होता है उसका आपको दिखाया जाता है। और एक चीज़ जो रहती है जो थोड़ा सा आपको जाते हैं वहाँ पे खटके की, वो ये है कि भाई आपको झाड़ू और बाल्टी पकड़ा दी जाती है और आपको जो कैंपस की जो सफाई है वो करवाई जाती है,
नॉर्मली ये जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं, जो भी ट्रेनिंग रहते हैं, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है साफ सफाई करने की। बाद में अपने को ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल लगने लगती हैं। वैसे भी उसमें ये सिखाया जाता है कि भी अपना अपना काम करने में आपको कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपकी ट्रेनिंग 51 वीक्स की रहती है, जिसके अंदर में आपके पुलिस अटैचमेंट में रहता है जो कि 7 डेज रूरल और 7 डेज सिटीज़ का रहता है। आपको उसके बाद में प्री कमांडो करना होता है जो कि 4 वीक्स का रहता है। ट्रेनिंग के अंदर आपको रनिंग रहती है, ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, वेपन ट्रेनिंग रहती है, ड्रिल रहता है, तो ये सब चीज़ें उसमें रहती हैं जो आपको वन बाय वन करनी रहती हैं। ट्रेनिंग के दौरान आपका स्टेमिना कब बढ़ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ट्रेनिंग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। सिलेक्शन के टाइम पर मैंने जो 1600 मीटर मारा था, मैंने 550 में उसको कंप्लीट किया था, मतलब 5:50 उसको मैंने कंप्लीट किया था। लेकिन जब ट्रेनिंग के दौरान मैंने सेम टेस्ट दिया था तो वही मैंने 4.5 मिनट में उसको कंप्लीट कर लिया था, और मुझे भी उस समय काफ़ी अचंभा हुआ था, मुझे खुद नहीं पता चला कि इतना स्टेमिना कैसे बढ़ गया। मॉर्निंग में 4 बजे उठना हम लोगों ने स्टार्ट किया था, क्योंकि 5 बजे तक हमें क्वार्ट जाके SLR अपनी जो रहती है सेल्फ लोडिंग राइफल उसको इशू करवा रहता था और रोल कॉल में जाना रहता था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती गई, हम लोग ने जो हम 4 बजे उठते थे, हम लोग 5:45 उठना स्टार्ट कर दिया। 3 बंदे हमको रेडी होना होता था, 5-5 मिनट तीनों लेते थे और तैयार हो जाते थे। वो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग का ही सिस्टम था जो कि हम लोग के अंदर में इतनी फुर्ती वगैरह आ गई थी। मेरी ज्वाइनिंग 17 अप्रैल 2010 को हुई थी, यानी गर्मी से ट्रेनिंग स्टार्ट। SLR को जब सबसे पहले उठाया था तो ऐसा लगा था कि यार ये तो बहुत भारी है, और बाद में जब पता चला कि इसे कंधों पर लेके दौड़ना है तो जान ही निकल गई। स्टार्टिंग में तो SLR भारी भी लगी और कंधे में चुभी भी, लेकिन कुछ ही टाइम बाद SLR खिलौने की तरह लगने लगी थी। वह इस तरह का साथी बन गई थी कि मानो अगर वो ना हो तो ट्रेनिंग अधूरी सी लगने लगी। रनिंग से ट्रेनिंग हमेशा स्टार्ट होती थी, रनिंग एंड काफ़ी तरह की एक्सरसाइज होने के बाद हमें वेपन ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, वो भी विदाउट ब्रेक। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जिस ग्राउंड में हम लोग रनिंग करते थे वहाँ से वेपन ट्रेनिंग वाला ग्राउंड लगभग 1 किलोमीटर था, और हमें रनिंग ख़त्म होते ही 1 किलोमीटर का शूट मार के वहाँ तक पहुँचना रहता था, क्योंकि टाइम ही इतना बचता था, हमारे पास टाइम नहीं रहता था। क्योंकि अगर हम लोग टाइम से नहीं पहुँचे तो वहाँ पे जो भी उस्ताद रहते थे वो रेडी रहते थे हमें पनिशमेंट देने के लिए। पनिशमेंट भी कई तरह की होती थी, क्रॉलिंग हो गया, फ्रंट हो गया, बैक हो गया, मतलब इस तरह की पनिशमेंट रहती थी जिससे कि आपका स्टेमिना बढ़े। रनिंग के टाइम पर हम लोग वाइट टी शर्ट पहनते थे और हाफ पैंट रहता था। वेपन ट्रेनिंग के टाइम पर डांगरी रहती है, एक तरह की ड्रेस रहती है जो कि आपको ऊपर से लेकर नीचे तक रखती है, जिसमें आपको अपने बेल्ट को इतना कसकर बांधना रहता है कि उसमें एक भी उंगली घुसने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। वेपन ट्रेनिंग और ड्रिल को अल्टरनेट डेज किया जाता है, कई बार दोनों ही करवाए जाते हैं। कुछ प्लाटून वेपन ट्रेनिंग करते हैं और कुछ प्लाटून ड्रिल करते हैं। ड्रिल में भी वाइट टी शर्ट एंड हाफ पैंट रहता है, लेकिन बेल्ट और शूज चेंज हो जाते हैं। रनिंग, वेपन ट्रेनिंग एंड ड्रिल के दौरान अलग अलग शूज रहते हैं। रनिंग के टाइम स्पोर्ट शूज, वेपन ट्रेनिंग या लॉन्ग रनिंग के लिए जाते थे तो जंगल शूज विद डांगरी रहता था। ड्रिल के टाइम में परेड वाले लेदर शूज रहते थे जिसके नीचे में कीले लगे रहते थे, जब हम लोग कदम ताल करते थे तो उन कीलों की बड़ी अच्छी आवाज़ आती थी और वो बहुत ही ज़्यादा जोशीले अंदाज में हम लोग उस चीज़ को करते थे। रनिंग में स्लो टू फास्ट रनिंग रहती है, 100 मीटर्स 300 मीटर्स के शूट रहते हैं, हिल रनिंग भी होती है। सभी प्लाटून्स को अलग अलग उस्ताद रहते हैं जो कि आपके साथ ही रनिंग करेंगे और एक्सरसाइज भी करते हैं। कभी कभी उस्ताद आपस में प्लाटून का कंपटीशन करवा देते हैं, तो प्लाटून को जितना मतलब आन मान शान वाली बात हो जाती है प्लाटून की, तो फिर क्या रहता है कि भाई सब अपनी पूरी जान लगा देते हैं चाहे वो कितने भी थके हों, और उस कंपटीशन वाले माहौल में कंपटीशन करने का मज़ा ही अलग होता है। जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती जाएगी आपका स्टेमिना और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी साथ साथ बढ़ता जाएगा, और जिस दिन आप फर्स्ट टाइम फायरिंग करके आओगे आपको एक अलग ही फीलिंग होगी। और बिलीव मी, ये फायर वाली जो फीलिंग रहती है ये आपके मतलब जो भी फीलिंग्स रहती हैं उनसे हट के रहती है, और आप जिसकी छाप जो रहती है आपके दिल में हमेशा के लिए बन जाती है। मुझे ये सब याद करके ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, और दोस्तों मैं आप सभी को और YouTube को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं अपनी जो सब सारी बातें हैं, अपने जो सारे एक्सपीरियंस है, फीलिंग्स हैं, आपके साथ में शेयर कर पा रहा हूँ, और उन सबके साथ में कर पा रहा हूँ जो कि इस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप कुछ दोस्तों हासिल करना चाहते हैं और उसको दिल से चाहिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दो, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। बस अपने आप पे भरोसा। वेपन ट्रेनिंग में आपको सभी वेपन्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है, जितने भी आपके एडवांस वेपन्स हैं, चाहे वह इंसास हो, AK-47 हो, SLR हो गए, मशीन गन हो गया, आपका LMG हो गया, बॉक पिस्टल्स वगैरह, मतलब जो भी एडवांस वेपन्स है सभी की लगभग आपको ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान मॉर्निंग में रनिंग,
ड्रिल वेपन ट्रेनिंग रहती है। 11 से 1:30 बजे तक आपका इंडोर क्लासेस रहता है, जिसमें PPC एक्ट या जो भी फोर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। हमारे टाइम पर इंग्लिश स्पीकिंग भी करवाई गई थी, वहाँ से जो भी हाई टीचर्स थे वो आए थे जो कि हम लोग को इंग्लिश स्पीकिंग करवा रहे थे, अपनी इंग्लिश जो भी रहती है उसको इम्प्रूव करवाई थी उन्होंने, क्योंकि CSF की ड्यूटी है वो एयरपोर्ट या मेट्रो वगैरह लगती है जहाँ पर पब्लिक डीलिंग होती है, और बस वहाँ पर इंग्लिश बोलने का आपको काम भी पड़ सकता है। 3 से 5 तक फिर से ड्रिल या इक्विपमेंट ट्रेनिंग रहती थी, उसके बाद गेम्स पीरियड रहता था जिसमें फुटबॉल वॉलीबॉल बास्केटबॉल के गेम्स रहते थे, जिम भी रहती है लेकिन कुछ ही लोग ट्रेनिंग्स वहाँ पे जिम पे जाते थे क्योंकि ऑलरेडी इतनी एक्सरसाइज हो जाती थी कि भाई जिम करने का मौका ही नहीं रहता था, बॉडी फट जाती थी। योगा और स्विमिंग क्लास भी रहती है, मैंने स्विमिंग की जो बेसिक ट्रेनिंग के दौरान ही सीखी, एडवांस स्विमिंग मैंने NDRF के जो मैंने कुछ कोर्सेज किए थे उसमें मैंने एडवांस स्विमिंग वहाँ पे NDRF के दौरान सीखा था। स्विमिंग पूल ओलंपिक गेम्स वाले स्टैंडर्ड का रहता है, ट्रेनर भी साथ रहते हैं जो कि आपको पूरी बताते हैं कि कैसे कैसे इसमें आपको स्विमिंग वगैरह करनी है। खाने की व्यवस्था मेस में लगभग ठीक ही रहती है, स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि घर के खाने की आदत रहती है वैसे हम लोगों को, खाने का जो भी चार्ज रहता है वो आपकी सैलरी से काट लिया जाता है। ट्रेनिंग के टाइम पर आपको फुल सैलरी मिलती है, फर्स्ट 3 की सैलरी एक साथ मिलती है, फिर हर महीने सैलरी मिलती है। आपका सैलरी अकाउंट वहीं ओपन होता है जो प्रान नंबर या जो प्रान नंबर और पैन नंबर दोनों आपको वहीं पर मिलते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग में डेली शेव और डेल शूज को चमकाना जरूरी होता था। ट्रेनिंग चलती जाएगी और आपके दोस्त भी बनते जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान सब सोचते हैं कि कब ये टफ ट्रेनिंग खत्म होगी, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने पर किसी का भी कैंपस छोड़ने का मन नहीं करता है। बेसिक ट्रेनिंग अप्रोक्स 1 की होती है, जैसे मैंने आपको पूरा डिटेल में पहले बताया था। उसके बाद प्री कमांडो होता है जो कि बड़वा MP में होता है, और उसके बाद अपने अपने यूनिट्स में ज्वाइनिंग। पोस्टिंग बेसिक ट्रेनिंग के टाइम पर ही डिसाइड हो जाती है। POP में जो आपका जो पासिंग आउट परेड रहता है उससे पहले परेड की जबरदस्त तैयारी करवाई जाती है, सुबह से शाम तक उसी की तैयारी करनी होती है। QRT ट्रेनिंग भी रहती है इसमें, मतलब POP के टाइम पे नहीं उससे पहले रहती है, जिसमें लगभग पूरे दिन रनिंग और डिफरेंट टैक्टिक्स सिखाई जाती है। फाइनल टेस्ट में आपका 5 किलोमीटर ऑब्स्टिकल्स 300 मीटर्स वेपन ट्रेनिंग ड्रिल इंडोर टेस्ट ये सारे के सारे टेस्ट उसमें रहते हैं। नॉर्मली फाइनल में सभी पास हो जाते हैं, लेकिन मिड टर्म में जो पास नहीं हो पाता है तो उन्हें जो 10 to 12 की जो मिड टर्म होल्डेज मिलते हैं वो उनको गंवाने पड़ते हैं, मतलब उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जो पास हो जाते हैं वे सभी मिड टर्म में 10 से 12 दिन अपने अपने घर होकर आते हैं। जंगल कैंप रहता है जो कि लगभग 48 hours का रहता है, उसमें आपको खाना खुद ही बनाना रहता है, लेकिन जो खाने की सामग्री है और जो पानी मिलता है पीने के लिए वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में मिलता है, तो आपको बहुत ही कंट्रोल करके उसको मतलब उसको अच्छी तरह से यूज करके उसको इस्तेमाल करना रहता है। डिफरेंट टैक्टिक्स बताई जाती हैं, अटैक कैसे करते हैं मुर्गी सांप वगैरह जो इनको पकड़ के अगर जंगल में आप हैं तो उसको कैसे खाना है, नाइट में सरप्राइज अटैक वगैरह की प्रैक्टिस होती है। आपको लगभग मतलब जंगल कैंप में सोने नहीं दिया जाता, पूरी रात आपको जगा के रखते कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। टाइकोंडो वगैरह भी सिखाया जाता है, जिसमें कि मतलब विदाउट वेपन अगर आपको लड़ाई करनी है तो किस तरह से लड़ाई की जाएगी। ट्रेनिंग के टाइम पर नाइट शिफ्ट में रोटेशन वाइज ड्यूटी भी आपकी लगती है, ये ड्यूटी वहाँ पे जाके मैं ट्रेनिंग सेंटर की बात कर रहा हूँ कि आपकी रोटेशन वाइज आपको ड्यूटी भी लगाई जाती है, आपको आदत डाली जाती है नाइट शिफ्ट की कि भी आपको जब जाके ड्यूटी करनी होगी तो वहाँ पे शिफ्ट वगैरह की ड्यूटी तो रहती है। जिसकी नाइट ड्यूटी रहती है उसको PT माफ रहती है, मतलब सुबह में एक्सरसाइज वगैरह उसको नहीं करनी होती है। वेपन्स को चलाना साफ करना उसके हर एक पोस्ट से अवगत कराया जाता है, जितना भी हर एक पोस्ट मतलब हर एक पार्ट से उसमें अवगत कराया जाता है। वेपन ट्रेनिंग के टाइम हमारे उस्ताद ने कहा था कि पिस्टल 3 सेकंड्स में खुल जानी चाहिए, उस उस्ताद की बात सुन के लिटरली जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट्स थे जो भी वहाँ पे ट्रेनिंग थे सब लोग हंसने लगे थे कि भी 3 सेकंड में कैसे खुल के वो भी सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग उसके पार्ट्स लगाते। लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग के एंड होते होते मोस्टली जितने भी ट्रेनिंग थे वो पिस्टल को 3 सेकंड में खोल भी देते थे और उसको सिस्टमेटिक तरीके से लगा भी देते थे। तो ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है, आप धीरे धीरे करते करते इसमें ट्रेंड हो जाते हो। आपको जो ट्रेनिंग है वो आपके अपने ही क्षमताओं से अवगत करवाएगी और आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगी। कैंटीन फैसिलिटी रहती है, जिसमें आइटम्स आर्मी कैंटीन से थोड़े महंगे होते हैं लेकिन मार्केट वैल्यू से काफ़ी सस्ते रहते हैं। खाने पीने की भी कैंटीन रहती है, कैंपस रहता है। सेकेंड गेट से भी बाहर जा सकते हैं लेकिन नॉर्मली पास बनाना पड़ता है, कभी कभार रिक्वेस्ट पर भी छोड़ देते हैं। जब रूल ज़्यादा स्ट्रिक हो जाते हैं तो आपको बाहर बिल्कुल नहीं जाना जाता, लेकिन फिर भी बच्चे लोग कुछ शॉर्टकट्स करके निकल जाते हैं, काफ़ी शॉर्टकट्स हैं वो आपको मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। नॉर्मली संडे को आउटपोस्ट मिलता था और सभी ट्रेनिंग सिकंदराबाद घूम कर आते थे, लेकिन टाइम से सभी को रिपोर्ट करना भी रहता था। नाइट में सरप्राइज फॉल इन करके काउंटिंग की जाती थी कि भाई कोई कटवट तो नहीं मार रहा है। बेसिक ट्रेनिंग और पी कमांडो के बाद अपने अपने पोस्टिंग यूनिट्स में रिपोर्ट करने के लिए सब ऐसा ही निकल जाते थे।
प्री कमांडो में सब कुछ बेसिक ट्रेनिंग जैसा ही होता है, फर्क यही रहता है कि जो हमने एक साल में किया है वही ये लोग 4 वीक्स में उसको वापस रिपीट करवा देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रहती है जैसे आईडी वगैरह जो आपका रहता है, एक्सप्लोजिव वगैरह रहता है, उसको कैसे आपको डिडक्ट करना है या कैसे उसको डिफ्यूज करना है, और आपके मूविंग टारगेट पे फायरिंग वगैरह रहती है, रेड वगैरह रहती है, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी रहती हैं उसमें जो वहाँ पे मतलब स्पेशली वही चीज़ें करवाई जाती हैं। और बाकी बेसिक ट्रेनिंग में आपका इतना स्टेमिना डेवलप हो चुका होता है, आपकी बॉडी इस तरह से ढल चुकी होती है कि आप प्री कमांडो करते समय आपको उतनी दिक्कत नहीं आती है। प्री कमांडो वगैरह होने के बाद में आपको अपने अपने यूनिट्स ज्वाइन करने होते हैं। यूनिट्स का जैसे मैंने बताया कि आपको भी पोस्टिंग का आपको बेसिक ट्रेनिंग में पता चल जाता है। मेरी पोस्टिंग सबसे पहले जागी रोड में हुई जो कि असम में गुवाहाटी से थोड़ा आगे है। वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे नॉर्मली शिफ्ट ड्यूटीज होती थी, ए बी सी शिफ्ट रहती है जो कि आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है जो सुबह 5 बजे चालू हो जाती है, 1 बजे तक रहती है। आफ्टरनून शिफ्ट बी शिफ्ट बोलते हैं जिसको, जो कि आपकी 1 से 9 बजे तक, और 9 से 5 बजे तक आपकी नाइट शिफ्ट जिसको सी शिफ्ट बोलते हैं। जनरल शिफ्ट ड्यूटी रहती है जिनके एडमिन वगैरह में या जो भी इंस्पेक्टर पोस्ट के रहते हैं उनकी नॉर्मली उनकी पोस्टिंग रहती है, सब इंस्पेक्टर भी रहते हैं एडमिन सेक्शन में, तो उनकी जनरल शिफ्ट जो भी अपने दिन में रहती है 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, बीच में ब्रेक वगैरह भी रहता है। इसमें भी मॉर्निंग में फॉल इन हो गया आपका, इवनिंग में फॉल इन हो गया, वो सब चीज़ें रहती हैं, अटेंडेंस वगैरह रेगुलर लगती रहती हैं। जागी रोड एक पेपर मिल था जिसमें कि हम लोग को शिफ्ट फाइट ड्यूटी करनी रहती थी। नॉर्मली हमको वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी करनी रहती थी वो स्क्रैप आइटम्स की करनी रहती थी, जैसे जो भी लोहा लकड़ पड़ा हुआ है वो बहुत सारा आइटम्स रहते थे जो कि चिंगड़े वगैरह उनको चोरी करके ले जाते, चिंगड़े इन देंस चोर वगैरह जो रहते थे वो उनको चोरी करके ले जाते थे। तो हम लोग का काम मेनली वही रहता था कि भाई कोई भी चोर आके उसको चोरी करके ना ले जाए। तो आपको क्या करना होता है, जब भी शिफ्ट ड्यूटी रहती है तो जो भी आपके बंदे अंदर में आपके काम कर रहे होते हैं शिफ्ट में, आपको सबसे पहले तो उनको ब्रीफ करना होता है कि भैया जो भी वेपन्स है उसमें छेड़खानी नहीं करनी है आपको, कई बार फालतू फायरिंग वायरिंग हो जाती है तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ड्यूटी वगैरह सब अच्छी तरह से अलर्ट करनी है, ऐसा ना हो कि भाई आपकी एरिया में चोरी हो जाए आप झपके वगैरह नहीं लेनी है, तो ये सब चीज़ें उनको इंस्ट्रक्ट करनी पड़ती हैं, आपको ब्रीफ करना पड़ता है सभी को। तो ब्रीफिंग वगैरह करते करते आप में एक चीज़ ये भी मतलब स्टार्टिंग में आप जब जाते हैं आपकी पहली पोस्टिंग रहती है तो हेजिटेशन रहती है क्योंकि ये इस चीज़ की अपने को आदत नहीं होती है ब्रीफिंग करने की करके, लेकिन धीरे धीरे करते करते आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। और ड्यूटी के दौरान आपको जो शिफ्ट आप जब कर रहे होते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 राउंड मारने भी पड़ते हैं, बीच में जाके आपको हर पोस्ट पे जाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि भाई ड्यूटीज़ वगैरह सब लोग प्रॉपर वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पे साइन बुक वगैरह रहती है, साइन वगैरह करके भी आपको आना रहता है। कुल मिला के जो ड्यूटी वगैरह का जो प्रोसीजर है 8 घंटे के आसपास आपकी ड्यूटी रहती है और काफ़ी मज़ेदार ड्यूटी रहती है आपको जब भी करेंगे तो। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग तरह की ड्यूटीज़ रहती हैं तो आपको जब भी जाएंगे अलग अलग वैरायटी मिलेगी, ड्यूटीज़ करने में आपको मज़ा आएगा। जागी रोड में 6 महीने ड्यूटी करने के बाद में वहाँ की जो यूनिट है वही डिस्बैंड हो गई, मतलब वहाँ के जो पेपर मिलता उन्होंने कहा कि भी हमें सीएसएफ नहीं चाहिए, तो डिस्बैंड होने के बाद में मेरी पोस्टिंग हो गई ONGC नजीरा, जिसमें मेरे को हेडक्वार्टर नहीं मिला, आउटपोस्ट मिली, और आउटपोस्ट की ड्यूटी मेरे को सबसे बेस्ट लगी क्योंकि वहाँ पे आपके अंदर में कम से कम 10 से 15 या 15 से 20 कॉन्स्टेबल्स और हेड कॉन्स्टेबल रहते हैं, सब कुछ लगभग आपके अंडर में ही होता है, आपको नाश्ते से लेके खाने से लेके सब कुछ मेन्यू आपको डिसाइड करना रहता है, और जो भी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है वो भी आपको लगानी रहती है, और आपका अगर फर्दर स्टडीज़ आप कर रहे हैं कुछ दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आउटपोस्ट से बेस्ट जगह कुछ नहीं हो सकती, वहाँ पे आप अपनी ड्यूटी भी संभाल सकते हैं और साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। जब मैं नजीरा में था तो वहाँ पे मैंने काफ़ी आउटपोस्ट पे काम किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, जैसे कि रिग वगैरह की खुदाई वगैरह रहती है जिसमें कि तेल निकालते हैं नीचे से, तो उसमें आप अपनी ड्यूटी लगती है तो काफ़ी ट्रक्स वगैरह के जो भी पेट्रोल वगैरह जो डीजल वगैरह आता है वहाँ पे, जो आपका जो सेट रहता है जनरेटर का सेट रहता है उसमें उस चीज़ का यूज़ होता है, तो उसको भी अपने को काउंट करना रहता है या उसके भी अपने को करना उसमें देखना रहता है कि भाई इसमें कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहा है। और नॉर्मली आउटपोस्ट पे आपको जो भी स्क्रैप वगैरह रहते हैं उसी का ध्यान रखना होता है। मेरे को मौका मिला आरडी परेड करने का, जब मैं ONGC नजीरा में था तब वहीं से मेरा नंबर आया था आरडी परेड करने के लिए, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स जो मेरे बैचमेट्स थे उसमें एक मेरा बैचमेट था और एक मेरे सीनियर थे उनके साथ हम लोग गए थे आरडी परेड करने के लिए। रिपब्लिक डे परेड में भी आपको जैसे दिल्ली में अगर बुलाते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने पहले बुलाते हैं, इसमें कम से कम आपको 1.5 महीने या 2 महीने के आसपास पहले बुलाते हैं, और अच्छी ज़बरदस्त प्रैक्टिस होती है तो वहाँ का माहौल भी काफ़ी जोशीला रहता है और परेड वगैरह करने में सभी ग्रुप के साथ में मज़ा आता है। इवन जो दूसरी फोर्सेज के लिए हम लोग जब रिहर्सल के लिए जाते हैं तो दूसरे फोर्सेज वाले जो बंदे रहते हैं वो भी बड़े जोशीले तरीके से वहाँ पे परेड वगैरह करते हैं,
तो कंपटीशन इतना हाई हो जाता है कि मतलब देखने लायक होता है। अगर कोई बंदा देख भी रहा होता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग जो कर रहे होते हैं तो उनमें अलग ही जोश रहता है। और दोस्तों इसके बाद में जैसे ये हो गया आरडी पेट की बात हो गई, मैं जब वहाँ पे रहा तो मेरे को टेम्परेरी ड्यूटी करने का भी मौका मिला। टेम्परेरी ड्यूटी इन द सेंस जैसे कि भाई कोई वेपन्स वगैरह आपको लेके जाने दूसरी जगह, उनको ठीक करवा के लाना, कई बार उनमें गड़बड़ हो जाता है, या जो भी आपके कुछ कैंटीन का सामान वगैरह अगर उनको वो सामान इधर से उधर करना है आपको या लेके आना है अपनी यूनिट के लिए, तो इस तरह की टेम्परेरी ड्यूटीज रहती हैं। इवन इलेक्शन ड्यूटीज वगैरह भी रहती हैं, लेकिन मेरे को उसमें इलेक्शन ड्यूटी में काम करने का मौका नहीं मिला। मेरी पोस्टिंग ओनजीसी नजरे के बाद में जब मैंने एनडीआरएफ के कोर्सेज वगैरह किए थे तो मेरे को एनडीआरएफ में डेप्यूट कर दिया गया। मैं चेन्नई आर्कोनम में रहा लगभग 6 महीने। वहाँ पे भी जो ड्यूटी का कल्चर था नॉर्मली जनरल शिफ्ट के हिसाब से रहता था, लेकिन उसमें आपको एबीसी शिफ्ट में भी लगाते थे। शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती थी वही, मतलब हर जगह लगभग वही शिफ्ट वाली ड्यूटीज रहती हैं। नॉर्मली टाइम का डिफरेंस हो सकता है कि कोई किसी का 5 बजे अगर हो रहा हो तो वो 4 बजे भी स्टार्ट हो सकता है। तो वहाँ पे हम लोग को रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह ज़्यादा रहते थे कि जब जैसे मेरे को फैलिन जब साइक्लोन आया था तो मेरे को मौका मिला था, उड़ीसा तक हम लोग गए थे रेस्क्यू करने का मौका मिला था मेरे को उस समय। और वहाँ पे भी जो ड्यूटी करने का है मज़ा अलग ही रहता है। वहाँ पे क्या रहता है कि भाई आपको जो वो रहता है कंट्रोल रूम रहता है उसमें आपके टीवी लगी रहती है, मानसून वगैरह की खबरें आपने न्यूज़ वगैरह आप देखते रहो। जब भी कुछ इमरजेंसी होती है तो आप वैसे भी हम लोग रेडी रहते हैं, एक किट रहता ही है जो कि अलग ही रहता है। वो जब साइरन वगैरह बजता है तो हम लोग उस किट को लेके ही दौड़ना रहता है, मतलब उसमें सब कुछ सामान रहता है। जैसे अगर आपका सेविंग किट है तो सेविंग किट अलग ही रहेगा, उसमें आप अपना नॉर्मल अलग यूज़ कर रहे हो, लेकिन इमरजेंसी के लिए वो अलग से एक किट में रख के रखना है। सब कुछ अपना बोरिया बिस्तर जो भी रहता है उसके अंदर रहता है। तो चेन्नई में मेरे को नीचे मैं आपका धनुषकोटी से लेके आपका आर्कोनम में तो हम लोग की ड्यूटी थी, तो जो भी साउथ का एरिया है पूरा हम लोग ने वहाँ पे सर्च कर लिया था। प्लस वहाँ पे जो मेन ड्यूटी रहती थी जब भी हम लोग टूर के लिए जाते थे तो जो भी लोकल लोग रहते थे उनको ब्रीफ करना रहता था कि अगर बाई चांस इमरजेंसी होती है कोई साइक्लोन आता है तो आपको कैसे बचना है। अगर आप पानी में गिर गए हो तो आप डूब रहे हो, कोई दूसरा बंदा तो डूब रहा है, अगर आप उसको बचा नहीं सकते हो वो आपके ऊपर चढ़ रहा है, तो आपको अपने आप को कैसे डिफेंड करना है और दूसरों को किस तरह से बचाना है। क्योंकि नॉर्मली फोर्सेस वगैरह है वो थोड़ा टाइम बाद पहुंचती है, लेकिन उससे पहले आप अपना क्या बचाव कर सकते हो, ये सब चीज़ों का हमें ब्रीफ करना होता था। और काफ़ी जो हम लोग वहाँ पे जो एनडीआरएफ के अंदर में जो भी हम लोग के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते थे उनकी भी ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती थी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब जॉब कल्चर रहता था वहाँ पे। दोस्तों आपको EL-30 मिलती है, CL-50 मिलती है और HPL-20 मिलती है। EL मतलब अर्न लीव, CL मतलब कैजुअल लीव आपको साल में ले लेनी होती है वरना वो लैप्स हो जाती है, बाकी EL वगैरह आपकी आगे चलती रहती है। HPL मतलब आपका हाफ पे लीव रहती है जो कि आपको मेडिकल के रूप में मिलती है। रिस्क अलाउंस हार्ड अलाउंस 25-30% रहता है, एरिया पर डिपेंड करता है आपको एक्स्ट्रा मिलता है। जो डेपुटेशन हो गया आपका डेपुटेशन अलाउंस जैसे कि यहाँ पे आ गए अपने एनडीआरएफ वगैरह में आ गए तो वहाँ पे 15% के आसपास मिलता है, मेरे ख्याल से ज़्यादा भी मिलता होगा, ज़्यादा बढ़ गया होगा। ट्रेनिंग सेंटर में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आरकोना में भी वो 8% है और निशा में आपको ये 16% मिलता है। एनुअल मेडिकल आपको करवाना रहता है, मतलब आपको हमेशा फिट रहना ही होता है, अगर आप फिट नहीं रहते हो तो आगे जाके आपके प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है। प्रमोशन की अगर अपन बात करें तो आपको इंस्पेक्टर बनने में 10 से 12 साल लग जाते हैं और फर्दर आपको असिस्टेंट कमांडर बनने के लिए कम से कम 18 से 20 साल लग जाते हैं, और 3-4 साल और अगर आप जाते हैं अगर आपकी सर्विस बचती है तो आप डिप्टी कमांडर तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों ड्यूटीज़ जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे रहती है आपकी, तो एयरपोर्ट पे डिफरेंट टाइप्स की ड्यूटीज़ रहती हैं जैसे कि QRT हो गया, शिफ्ट ड्यूटीज़ हो गई। नॉर्मली आपको वहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी रहती है अगर बड़ा एयरपोर्ट रहता है तो, छोटे एयरपोर्ट में 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। जिस एयरपोर्ट पे जहाँ 12 घंटे की ड्यूटी रहती है वहाँ पे आपको अगले दिन मतलब 24 घंटे का बाद में रेस्ट मिलता है, फिर आपकी ड्यूटी वापस लगती है। और वहाँ पे QRT ड्यूटीज़ भी रहती हैं एयरपोर्ट पे। और नॉर्मली मैंने देखा कि जो भी मेरे बैच पे अभी भी वहाँ पे डिप्लॉय हैं तो जो भी सेलिब्रिटीज़ रहते हैं उनके साथ में फोटो खिंचाने का मौका भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। और अलग अलग तरह की ड्यूटीज़ रहती हैं जैसे कि मेट्रो के मेट्रोज में भी वो शिफ्ट वाइज ड्यूटीज़ रहती है आपकी, और जो भी प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह जैसे रिलायंस पतंजलि वगैरह हो गया वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी लगती है। क्वार्टर्स वगैरह की अगर बात करें तो CISF पे नॉर्मली जितने भी यूनिट्स हैं आपको फैमिली क्वार्टर्स मिलते हैं, आपको वहाँ पे कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। कुछ रिस्क एरिया हार्ड एरियाज़ हैं जो कि छत्तीसगढ़ बैलाडीला वगैरह है जहाँ पे वहाँ पे आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। और फैमिली लाइफ लगभग अच्छी रहती है, स्कूल्स वगैरह भी आसपास में KVS वगैरह मिल जाते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं मेट्रो की तो मेट्रो में शिफ्ट ड्यूटी वगैरह रहती है, वहाँ पे भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको रहने का मौका मिलता है। और जो क्वार्टर्स वगैरह रहते हैं वो भी आसपास या कभी कभी थोड़ा दूर मिल जाते हैं। अगर छुट्टी की बात करें तो वैसे भी देखा जाए तो EL वगैरह और CL वगैरह मिला के छुट्टी CISF में कम ही मिलती है। और नॉर्मली ये डिपेंड करता है आपके जो भी आपका वहाँ पे यूनिट कमांडेंट रहता है कि भाई वो छुट्टी को कैसे एडजस्ट कर रहा है,
तो कई बार छुट्टी की दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कई बार दिक्कत आती है, खासकर आप ये मान के चलिए अगर फेस्टिवल वगैरह है तो आपको छुट्टी मिलनी मुश्किल है, उस समय आपको नहीं मिल पाती है, आपको ड्यूटी डिप्लॉयमेंट वहीं पे लगा रहता है। तो दोस्तों ये था पूरा मेरा एक्सपीरियंस, या जो भी मैंने अभी तक CSF के अंदर में जो भी जहाँ जहाँ पे भी मेरी ड्यूटी रही उसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको अगर कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी मेरे से अगर पॉइंट मिस हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों एज यूजुअल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक मेरे को मोटिवेट करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है मेरे पास में उसको शेयर करने के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद।